हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फैशन स्टाइल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिका कॉस्मेटिक का फाउंडेशन का रिव्यू देने वाली हूँ। एक दो साल पहले मैंने फ्लिका कॉस्मेटिक का फाउंडेशन परचेज़ किया था, जो कि मुझे यूज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने उसका सेकेंड परचेज़ किया है। एंड वो शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फाउंडेशन है। एक दो साल से मैं उसको यूज़ करती आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन का यूज़ किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, कवरेज अच्छी थी, बट जो है लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जिनका मैंने अपने चैनल पर भी रिव्यू डाला है, अगर आप देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। बट ये फ्लिका कॉस्मेटिक का फाउंडेशन का रिव्यू मैं सेकेंड टाइम देने जा रही हूँ, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है मैं इसका सेकेंड रिव्यू दे बगैर जो है रह ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस टाइम मैंने मेकअप जो कर रखा है वो फ्लिका कॉस्मेटिक के फाउंडेशन से ही कर रखा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है एंड जो है इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू है तो वीडियो को फुल देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है फ्लिका कॉस्मेटिक का फ्लॉलेस फिनिश लिक्विड फाउंडेशन। ये आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिल जाता है, इसका कार्डबोर्ड बॉक्स आपको इस टाइप में मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पैकेजिंग है इसकी। अभी तक मुझे और सारे फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगी है। एंड फ्लिका कॉस्मेटिक एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ये ब्रांड जो है कोलकाता महाराष्ट्र साइट में आपको मिल जाती है, ये वहाँ पर इनकी जो है ब्रांड है। एंड इसके प्रोडक्ट जो है ऑल इंडिया जो है वो सेल होते हैं एंड इनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उनकी वेबसाइट जो है आप चेक कर सकते हैं। और जो कि ये जो फाउंडेशन उनके हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, इसलिए मैंने इसका रिव्यू शेयर करी हूँ। तो इसकी बॉटल के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि फाउंडेशन की जो बॉटल है वो आपको ग्लास बॉटल मिलती है, जो कि आपको जो है इसको बहुत सिक्योर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और क्लासी भी है, जो कि इसके क्लासी पैकेजिंग के साथ जो है ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आपको जो है आप इसके शेड्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके शेड्स इंडियन स्किन टोन्स को परफेक्टली मैच करते हैं। इसके आपको लाइट शेड भी मिल जाते हैं, मीडियम और डार्क शेड भी अवेलेबल है। आप इस फाउंडेशन को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अमेजोन से परचेज कर सकते हैं ईजी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। एंड यहां पे इसका शेड जो है वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है कौन सा शेड है। अब बात कर लेते हैं ये कौन सी स्किन को फॉर्मुलेट करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑयली ड्राई हर स्किन टाइप्स को अच्छे से फॉर्मुलेट करता है, क्योंकि इसकी जो है कंसिस्टेंसी जो कि इसका फॉर्मूला है वो ईजली ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। ये एक्सेस ऑयल को आपके फेस पर आने नहीं देता है, साथ में आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और मॉइस्चराइज रखेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके फेस पर जो है एक्सेस ऑयल आने से रोकता है। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को तो ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा सूट करने वाला है, क्योंकि इसलिए आपके फेस को एकदम फ्लॉलेस फिनिश देता है। इसका कवरेज के बारे में आप बात कर लेते हैं, तो इसका कवरेज मीडियम टू हाई कवरेज है, ईजली ये बिल्डेबल है। एंड ये फाउंडेशन को मैं अपने फेस पर अप्लाई करके भी आपको साथ ही साथ दिखाती चलूँगी। अब बात करते हैं कि इसमें SPF 50 जो है पाया जाता है, जो कि आपके फेस को जो है सन रेज से प्रोटेक्ट रखता है। अब इसकी जो है वेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कवरेज वेट है, लाइट वेट फार्मूला है। एंड जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, ये आपके फेस पे केकी भी नहीं होता है, आपके फेस पे हैवी भी नहीं लगता है और ना ही आपके फेस पे आपके पोर्स को जो है क्लॉग करता है। नेक्स्ट, आपने इसको जो है टैबिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है फिंगर की हेल्प से। यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड करना बता रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिंगर से ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ और मुझे ईजिली भी लगता है फिंगर से, क्योंकि ये फाउंडेशन अच्छे से वार्म अप भी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने में भी आसानी रहती है, तो मुझे फिंगर से ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर इससे कवरेज भी अच्छा आ जाता है। सो यहाँ पर आपको आधे फेस पर मैं अप्लाई करके फर्स्ट दिखाऊँगी और ब्लेंड करके भी दिखा रही हूँ, ताकि इसको आपको कवरेज का अंदाज़ा हो जाए।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स एक ही पॉइंट में अच्छे से कवर हो गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया था, थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने 3 ड्रॉप प्रोडक्ट ही लिया है, जो कि मैंने जो चीक्स पे और फोरहेड पे अप्लाई किया था और उसी को पूरे फेस पर स्प्रेड कर लिया है। फिंगर से मैंने फेस को अच्छे से जो है फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है पूरे फेस पर और फ्लॉलेस फिनिश देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आप डार्क सर्कल्स भी आप देख सकते हैं, मैंने अलग से कोई भी कंसीलर या कोई और भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करा है। इवन यहाँ पे मैंने फेस को अभी कॉम्पैक्ट से सेट भी नहीं किया है और आप फ्लॉलेस फिनिश देख सकते हैं। इसका कवरेज इतना ज़्यादा मज़े का है कि आप पूरे दिन इसको अप्लाई करके रखते हैं ना, लगभग 18 घंटे या 20 घंटे आपका ये फाउंडेशन चलता ही चलता है। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने हाल ही में ही अभी एक जगह शादी पर गई थी, तो मैंने जो है मेकअप बहुत पहले ही कर लिया था और मेरा फंक्शन पूरा ख़त्म हो गया था। लास्ट में घर तक आने में मुझे 18 से 20 घंटे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर शादी थी और वहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था और मेरे फेस पर फाउंडेशन वैसे के वैसे ही लगा। सब ने मुझे पूछा कि आपने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने सबको बताया कि ये फ्लिका कॉस्मेटिक का फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है, ये 719 रुपये का मिलता है एंड इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये आपके फेस पर वाटरप्रूफ लुक भी देता है, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन ड्राई नहीं दिखती है, आपके स्किन पे एक्सेस ऑयल नहीं आता है, आपके फेस को जो है वाटरप्रूफ बनाए रखता है, आपका मेकअप बिल्कुल निकलता नहीं है और आपका मेकअप हाई कवरेज भी रहता है। सो आप देख सकते हैं कि एक ही फाउंडेशन में आप देख सकते हैं मुझे ना कंसीलर की नीड है ना मुझे कॉम्पैक्ट की नीड है, बट आपने कॉम्पैक्ट से सेट ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि फाउंडेशन की लाइफ बढ़ जाती है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लें, बट यहाँ पे मैं सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है फाउंडेशन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि ये फाउंडेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। ये मैं सेकेंड रिव्यू डाल रही हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने इसका जो है सेकेंड रिव्यू डालने का सोचा। मैंने मेकअप जो कर रखा है वो फ्लिका कॉस्मेटिक के फाउंडेशन से ही कर रखा है एंड जो है आप सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है इस फाउंडेशन का, आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ये भयंकर गर्मी में भी आपका फाउंडेशन निकलने वाला नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिए और बाय कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।